आज किस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कुछ अमेजिंग रैंडम टॉप 10 फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि एक मरी हुई चींटी जो होती है ना, उसको लेने के लिए बहुत सारी चींटियां कहाँ से आ जाती हैं? तो इसके पीछे का कारण ये है कि उसमें से एक रसायन निकलता है, मतलब एक केमिकल निकलता है, और उस केमिकल की मदद से जो बाकी जिंदा चींटियां होती है उनको मदद मिल जाती है कि वो एक चींटी मर चुकी है वो कहाँ पर है, और वो अपनी सेंस से उसको ढूंढ लेती हैं। और गजब की बात ये है ना कि अगर आप उसी केमिकल को उठा के और किसी जिंदा चींटी पर डाल दोगे तो वो सारी चींटियाँ आके उस जिंदा चींटी को पकड़ कर ले जाएंगी मरा हुआ समझकर, और चाहे वो चींटी उसको कुछ भी कहती रहे लेकिन उनको पता है ये केमिकल सिर्फ उसी चींटी में से निकलेगा जो मर चुकी है। गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 9, आपको जो स्क्रीन पर ये पिक्चर दिख रही है ये एक जानवर है जिसका नाम है कोका, KUOKA, और इस जानवर को दुनिया में सबसे खुश जानवर कहते हैं। और ये पिक देखो, आप इसमें ये भी नहीं बता सकते कि ये हंस रहा है या फिर ये थोड़ा सैड है, मतलब इसका फेस एक्सप्रेशन लाइक ए स्माइली वाली जो इमोजी होती है ना वो है। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है कि पूरी दुनिया में व्हाइट हाउस सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री को, मतलब उस देश के प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री को ही ट्विटर पर फॉलो करता है, और वो है हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि अगर कहीं पे भी किसी दूसरी देश में हमारे मतलब इंडिया का कोई नागरिक रह रहा हो तो हमारे देश में ये रूल है कि उसको हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे देश का है, मतलब अगर हमारे देश का है तो हमारे ही देश में रहेगा, अगर वो अमेरिका रह रहा है तो उसको NRI कहा जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में इजराइल इकलौता ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी यहूदी रह रहे होते हैं तो उनको वो अपने देश का नागरिक मानता है, और अगर उनके ऊपर कोई भी आँच आती है तो इजराइल उनके लिए आवाज़ भी उठाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अमूल कंपनी जो कि दूध दही लस्सी छाछ वगैरह बेचती है, उस कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, उसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो HP कंपनी है लैपटॉप वाली, वो कंपनी का उद्घाटन हुआ था 1939 मतलब 1939 में, और उस वक्त उस कंपनी को जब बनाया गया तो उसमें दो व्यक्तियों ने उसका निर्माण किया था, उनका नाम है यूलेट पैकर्ड, दो अलग अलग व्यक्ति हैं मतलब HP, और उन दोनों में इस बात में बहस हो गई कि पहले किसका नाम लिया जाएगा, क्या HP लिया जाएगा या फिर PH लिया जाएगा। तो उसके लिए टॉस किया गया और यूलेट ने उसको जीत लिया, तब से उस कंपनी को यूलेट पैकर्ड कहते हैं। गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ गूगल पे या फिर क्रोम माइक्रोसॉफ्ट एज कहीं पे भी अगर आप सर्च करोगे तो अगर उसकी कोई साइट खुलती है तो उसके आगे सबसे पहले HTTP/ करके लिखा होता है, तो उस HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं बता देता हूँ, उस HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारी नसों में जो खून बह रहा है, जो दिल से हमारी दूसरी बॉडी पार्ट्स तक जाता है आता है, उसकी स्पीड कितनी होती है? उसकी स्पीड होती है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और लगभग वो पूरे दिन में 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब आप एक घंटे पहले आपका खून की 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जब सबसे पहले अमेरिका ने F-11 फाइटर जेट बनाया था तो उस समय उसकी एक कमी भी थी, उसकी स्पीड ही उसकी कमी थी, क्योंकि उस समय की जो सबसे तेज चलने वाली जो मिसाइल थी वो मिसाइल उस फाइटर जेट से भी कम स्पीड की थी, मतलब हुआ ये ना कि F-11 ने शॉट किया एक बुलेट को ये देखने के लिए कि क्या होता है, तो हुआ ये कि F-11 आगे निकल गया और इतना डिस्टेंस हो गया कि जब F-11 उसकी लाइन में आया तो वो बुलेट उसको हिट कर गई। फैक्ट नंबर 1,
कि आपको पता है कि हम लोग जो कोलगेट करते हैं, जो बाहर वाले देशों ने बनाई हुई है, उस कोलगेट को हम इस्तेमाल करते हैं, और हमें जो करना चाहिए नीम का दातुन वो अमेरिका वाले इस्तेमाल करते हैं। ये देखो एक मॉल की पिक है, और इस पिक में लिखा हुआ है कि ये एक नीम की दातुन है और इसकी कीमत है लगभग $9.95। देख लो आप, लगभग 650 रुपये। और हम लोग कहते हैं नहीं, हम तो कोलगेट करेंगे, उससे दांत अच्छे होते हैं। और अमेरिका वाले कहते हैं कि हम नीम की दातुन करेंगे, उससे दांत अच्छे होते हैं। तो बस यार, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे बढ़िया लगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हमारे चैनल पर डेली ऐसी फैक्ट वीडियोस अपलोड होती हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।